चीन पर 72 बरसों से शासन करने वाली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आज 100 साल की हो गई है। आज के दिन 1921 में पहली बार सीसीपी की पहली कांग्रेस का आयोजन किया गया था। माओ से तुंग की पार्टी को इस वक्त शी जिनपिंग आगे बढ़ा रहे हैं। जिनपिंग भी माओ की तरह अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में पूरे जी जान से जुटे हैं। जिनपिंग सुपर लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके अरमानों के आगे अमेरिका रोड़ा बना हुआ है। अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए जिनपिंग ने पार्टी के शताब्दी समारोह में जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। J20 से लेकर Z20 तक फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी, टैंक, तोप और रॉकेट लॉन्चर की नुमाइश की गई। अपनी सेना के बीच खड़े जिनपिंग ने नाम लिए बगैर अमेरिका को गीदड़ भभकी भी दी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 100 बरसों के सफरनामे का यही सारांश है, यही चीन का हासिल है, यही गीदड़ भभकी ड्रैगन की कामयाबी है। माओत्से अवतार में अवतरित होकर सुपर पावर को चैलेंज करने वाले जहरीले जिनपिंग अपनी ढसक की नुमाइश करने कुछ यूं उतरे थे खुली सड़क पर। सड़कों पर दौड़ते हुए कतारबद्ध टैंक, चमगादड़खोर सेनाओं से लदे आर्म्ड व्हीकल, ये तो ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर अपने सुपर लीडर को सलामी ठोकते हुए चाइनीज आर्मी के जवान कुछ यूं गुजर रहे थे। सड़क पर सैनिक हथियार लेकर चल रहे थे और दोनों तरफ चाइनीज बैठ कर उन्हें देख रहे थे। दुनिया को धमकाने वाला बीजिंग का बारूदी बादशाह चीन की ताकत का एहसास करा रहा था दुनिया को। सड़क पर तोप, टैंक, रॉकेट लॉन्चर दौड़ रहे थे तो अंबर में फाइटर जेट्स फड़फड़ा रहे थे। बीजिंग के आसमान पर J20 लड़ाकू विमान चीन की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। 15 की तादाद में चीन के सबसे उन्नत स्टिल्थ J20 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरकर हवाई करतब दिखाए। किसी भी एयर शो में एक साथ इतने सारे J20 लड़ाकू विमान कभी नहीं उड़ाए थे चीन ने। विक्ट्री आकार में फाइटर जेट्स उड़ाकर चीन ने सीधा अमेरिका को संदेश दिया है। विश्वासघात के लिए कुख्यात मुल्क के लाल सुल्तान के शब्द शब्द में अकड़ थी। अहंकार था, महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बारूदी टकराव का इरादा था। चीन को सुपर पावर बनाकर खुद को सुपर लीडर के तौर पर स्थापित करने की ख्वाहिश का इजहार था। विस्तारवादी सोच का ये पुरोधा अपनी पार्टी के 100वीं सालगिरह के मौके पर अपने दुश्मनों को संदेश देने आया था। इसके लिए भव्य तैयारी की गई थी। दुनिया को वायरस की भट्टी में झोंकने वालों के आंगन में जश्न देखिए, उत्सव देखिए, उस कोरोना उत्पादक मुल्क में जिसने दुनिया भर में महामारी का निर्यात कर मौत बांटी, सिसकियों की कीमत पर ये उल्लास देखिए। देखिए जब वुहान वायरस के विरुद्ध विश्व युद्ध लड़ रहा है तब वायरस विलेन इतरा रहा है, अपनी खुशियों को आकार दे रहा है और चाइनीज तालियां पीट रहे हैं। तानाशाही के मूल मंत्र को अपनाकर 100 सालों का सफर तय करने वाली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह के लिए जिनपिंग ने पूरी ताकत झोंक दी थी। शी जिनपिंग यूं तो आमतौर पर काले रंग का खुला कोट पहनते हैं, लेकिन पहली दफा ऐसे ऐतिहासिक मौके पर बंद कोट में थे। ठीक वैसा ही कोट जैसा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक माओ त्से तुंग पहनता था। जाहिर है कि उसके पीछे भी जिनपिंग का संदेश छिपा था। दरअसल जिनपिंग हूबहू वैसे ही महत्वाकांक्षी हैं जैसे माओ त्से तुंग था। जिस तरह माओ त्से तुंग ने चीन पर कब्जा करने के संकल्प को सिद्ध किया, उसी तरह जिनपिंग भी विश्व के सर्वमान्य नेता बनने की हसरत पाले बैठे हैं। माओ त्से तुंग ने चेन डक्सियो औकली डेजाओ के साथ मिलकर 1921 में कम्युनिस्ट समूहों की स्थापना की। जुलाई 1921 में सीपीसी की पहली कांग्रेस का आयोजन भी किया गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 अक्टूबर 1934 से शुरू होकर 20 अक्टूबर 1935 तक लॉन्ग मार्च किया। साल 1937 में चीन पर जब जापान ने आक्रमण कर दिया तब कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी सेना आपस में मिल गई, लेकिन जापान के हारने के बाद इन दोनों के बीच गृह युद्ध छिड़ गया। इस दौरान राष्ट्रवादी सेना पर कम्युनिस्ट सेना भारी पड़ी और 1949 में पूरे चीन पर माओ त्से तुंग का शासन हो गया। माओ ने चीन पर एक छत्र राज किया। माओ के बाद जिनपिंग अपनी पार्टी पितामह से भी ज्यादा अटल इरादों के साथ अपने अरमान को आकार दे रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति पद पर बने रहने की सीमा को खत्म कर दिया, यानी जिनपिंग अब ताउम्र बीजिंग के बादशाह बने रहेंगे और इसी बादशाहत को बरकरार रखने के लिए हांगकांग पर कब्जा किया, तिब्बत में नया कानून बना रहा है, ताइवान को हथियाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। चीन का ये विस्तारवादी राष्ट्रपति विश्वनायक बनने का ख्वाब देख रहा है और इस ख्वाब को बार बार तोड़ रहा है अमेरिका। ताइवान सरीखे चीन के तमाम दुश्मनों के साथ अमेरिका डट कर खड़ा है। पैसों और हथियारों के मामले में चीन अमेरिका के आगे कहीं नहीं टिकता।
यूएन और डब्ल्यूटीओ से लेकर तमाम वैश्विक संगठनों में अमेरिका का दबदबा है। हर रास्ते में चीन के लिए सुपर पावर अमेरिका रोड़ा बन रहा है। यही वजह है कि सीधे अमेरिका को टारगेट करते हुए चीन के प्रपंची प्रेसिडेंट ने अपनी ताकत की कुछ यूं नुमाइश की। बीजिंग के टियानमेन चौक पर भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया गया था। इस दौरान सैन्य हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, पैदल सैनिक और एरोबेटिक टीम ने चाइनीज ताकत की नुमाइश की। पैदल सैनिकों ने लोगों से खचाखच भरी रोड पर परेड की। पीएलए के जवान टैंक तोप लेकर दौड़ रहे थे तो आसमान में लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे थे। J20 के साथ साथ Z20 हेलीकॉप्टर, Z8G, Z10A हेलीकॉप्टरों की एक पूरी फ्लीट ने भी उड़ान भरी। Z20 और Z8G वही हेलीकॉप्टर हैं जिसे चीन ने भारत के खिलाफ तिब्बत की सीमा पर तैनात किया है। भारत के अपाचे के जवाब में चीन ने लद्दाख में Z10A अटैक हेलीकॉप्टर को तैनात किया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी की सैन्य टुकड़ियों ने टियानमेन चौक से होते हुए पेचिंग की मुख्य सड़क पर बैंड के साथ मार्च पास्ट किया। अपनी सेनाओं की ताकत दिखाकर जिनपिंग ने नाम लिए बगैर अपने जानी दुश्मनों को बड़ी चेतावनी दी है। इन धमकियों से इतर एक सच ये भी है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने 9 सालों में फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। जो चीन चूहे की तरह दुबका रहता था वो दुनिया के लिए चैलेंज बन चुका है। कोरोना काल में वैश्विक स्तर पर चीन की प्रगति सबसे अधिक है। जानकार ये भी बताते हैं कि कोरोना की आपदा को अवसर में बदलकर शी जिनपिंग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में जुटे हैं। कोरोना बांटने के गंभीर आरोपों के बीच भी अपनी हनक बरकरार रखना चाहते हैं। ऐसे में अमेरिका सरीखे दुश्मनों को गीदड़ भभकी उसी महत्वाकांक्षा की कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।